रेखी बात स्वागत है आपका। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ आईपीएस अफसरों के तबादले का जो मामला सामने आया है उससे जुड़ी डिटेल्स आपको बता रहे हैं। अभिषेक सिंह एसपी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं, एसटीएफ के एसएसपी थे अभिषेक सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार एसपी जालौन बनाए गए हैं, स्वामीनाथन एसपी विशेष जांच लखनऊ बने हैं, एस आनंद डीजी ऑफिस से संबंध किए गए। प्रतापगढ़ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वकील की हत्या का मामला, हत्या के दूसरे दिन वकीलों का विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कचहरी में की तालाबंदी, कचहरी के सामने सड़क पर लगाया जाम। कल अधिवक्ता ओम मिश्रा की हत्या हुई थी, जेठवाड़ा इलाके में बदमाशों ने गोली मार दी थी। मनोज त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, कल एक वकील की हत्या का मामला सामने आया जिसके बाद उससे संबंधित विरोध आज अधिवक्ताओं की तरफ से हो रहा है, अपडेट क्या है? इन्हें आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं और लगातार एनकाउंटर के बावजूद भी अपराधियों पर अंकुश लगने में पुलिस नाकाम रही है लगा पाने में। और ताजा मामला है कि कल सुबह एक अधिवक्ता जो मुख्यालय के लिए जा रहा था घर से निकलकर, वो विश्व हिंदू का जिलाध्यक्ष भी था ओम मिश्रा, जिसकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और बताया जाता है कि लिफ्ट लेकर वकील के साथ उनकी बाइक पे पीछे बैठा था एक व्यक्ति जो गाड़ी रोक कर और हत्या करने के बाद हथियारों के साथ फरार हो गया है। उसके बाद से कल से लगातार अधिवक्ता आंदोलनरत हैं और जगह जगह कचहरी के चारों तरफ जाम लगा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जो जाते हैं स्कूल बसों में गर्मी में पसीना बहाते हुए खड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन जारी है। आंदोलन काफी हिंसक भी होता जा रहा है। नगर पालिका की एक कूड़ा गाड़ी जो है उसका शीशा तोड़ दिया गया है, इतना ही नहीं एक बाइक को भी जला दिया गया है। और इस मामले में साथी सिंह मंत्री हैं जो चूंकि शव को अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन तैयार नहीं है, जबकि अनुमन्य सुविधाएं सारी दी जा चुकी हैं परिवार को, उसके बावजूद भी परिवार अंतिम संस्कार को राजी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग कर रहा है, जिसके बाद स्वाति सिंह मंत्री चलकर उस पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो भारी आक्रोश का सामना झेलना पड़ा उनको, जबरदस्त उनके खिलाफ और सत्ता के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है, थानेदार इलाकाई थानेदार जो है उसको निलंबित कर दिया गया है, चौकी इंचार्ज को भी हटा दिया गया है, लेकिन परिजन इस मामले में मानने को तैयार नहीं है। पूरा प्रशासन रात 12 बजे तक लोगों से मिन्नतें करता रहा कि किसी तरह से ये अंतिम संस्कार को राजी हो जाएं। शव को पुलिस को कब्जे में लेने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस बैकफुट पर है और शव जो है पीड़ित परिवार ने अपने घर के सामने रखा है। तमाम भाजपा नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जानकारियों के लिए धन्यवाद आपका।